So hey guys, welcome back to my YouTube channel. I am Ragini and you are watching Destiny Lifestyle. और आज मैं फिर से एक नया वीडियो लेकर आ चुकी हूँ और इस बार का वीडियो होने वाला है जैसा कि मैंने राइस वाटर के ऊपर सीरीज़ निकाला था उसका ही एक लास्ट वीडियो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ. तो मैंने राइस वाटर एंड चिया सीड्स के ऊपर एक DIY हेयर मास्क शेयर किया था एंड मैं उसी के साथ ए बर्ड एंड बेरी का शैम्पू लेकर आई हूँ और इसका अच्छा से एक आपको रिव्यू भी दूंगी और इसके लिए आपको मेरे पूरे वीडियो को वॉश करना होगा एंड ये हमारे हेयर को नरिश करेगा और इस पर नो सल्फेट पर नो पैराबीन एंड सिलिकॉन ये सब चीज़ें नहीं है एंड 300 ml का मुझे ये बॉटल मिला और ये मुझे मिला 351 का और इसे मैंने डायरेक्टली ही बर्ड एंड बियर से ऑर्डर किया है एंड ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है. सो इसे मैंने पर्सनली ऑर्डर किया है एंड आपके साथ मैं इसका अच्छा से एक रिव्यू शेयर कर रही हूँ एंड इस पर जो बेनिफिट्स दिए गए हैं वो है नरिशिंग हेयर, स्ट्रेटनिंग हेयर, इंक्रीज हेयर वॉल्यूम, रिड्यूसिंग स्प्लिट एंड रिड्यूसिंग हेयर ब्रेकेज एंड 120 आवर्स ऑफ कंडीशनिंग. इतने सारे इस पर बेनिफिट्स दिए हैं. सो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं. शैम्पू यूज़ करने से पहले मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ राइस वाटर और राइस वाटर का जो वीडियो है मैंने फर्स्ट सीरीज पर दे दिया है. आप वहाँ से जाके इसका पूरा फुल वीडियो वॉच कर सकते हैं. एंड मेरे हेयर काफ़ी ज़्यादा फ्रीजी हो रहे थे तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसे मैं ऐड कर लूँ अपने इस वीडियो पर और इस राइस वाटर को मैं अपने हेयर पर 1 आवर्स के लिए इसी तरह से छोड़ दूँगी और मैं इसे अच्छी तरह से अपने स्कैल्प एंड लेंथ में अप्लाई करूँगी एंड इसे अच्छी तरह से मसाज करके मैं 1 आवर्स के लिए जैसे कि आपको मैंने बताया है वैसे ही मैं इसे छोड़ दूँगी एंड इसे अच्छी तरीके से जेंटली मसाज कर लूँगी ताकि ये मेरे पूरे हेयर के स्कैल्प पर अच्छी तरह से फैल सके और इसके बाद मैं अपने हेयर को नॉर्मली ही इसी तरह से छोड़कर रिंस कर लूँगी. इसके बाद मैं अपने हेयर पर शैम्पू अप्लाई करने वाली हूँ क्योंकि जो इसका जो राइस वाटर का जो स्टार्च है वो मेरे हेयर से निकल सके एंड इसके बाद मैं नॉर्मल वाटर से ही अपने हेयर को वॉश करने वाली हूँ. एंड मैंने राइस वाटर को अपने हेयर पर अप्लाई करके इस तरह से बन बना लिया है एंड इसके बाद मैं अपने हेयर पर अप्लाई करने वाली हूँ बर्ड एंड बेरीज का ये शैम्पू एंड इसे अभी तक मैंने ओपन नहीं किया है. सो इसके बाद मैं आपको इसे लगाकर भी दिखाऊंगी एंड देखिए कि जैसा मैंने थोड़ा सा ही लिया है और इसे मैं दिखाना चाहती हूँ आपको कि ये कितना हमारे जो स्कैल्प है उस पर फोम बनता है या नहीं बनता है. तो इस पर कम केमिकल है इस वजह से इस पर फोम थोड़े से कम बन रहे थे बट वॉश मैंने करने के बाद जो देखा मेरे हेयर काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे थे मुझे एंड मैंने वॉश कर लिया है अपने हेयर को एंड आगे की वीडियो पर मैंने अपने हेयर को पूरी तरीके से ड्राई कर लिया है और आपको उस पर मेरे हेयर के रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे. एंड मैंने इस प्रोडक्ट को ऑनलाइन ऑर्डर किया था और मैंने डायरेक्टली बर्ड एंड बियर्ड से ही ऑर्डर किया है. आप चाहे तो नायका, पर्पल, फ्लिपकार्ट, अमेजोन इससे भी ऑर्डर कर सकते हैं और इसकी जो बहुत सारी बेनिफिट्स मुझे एक वॉश में अच्छी चीज़ें मिली कि मेरे हेयर जो काफ़ी ज़्यादा फ्रीजी थे वो बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल हो चुकी है मेरी हेयर एंड आप भी इसे यूज़ करिए और मुझे अच्छा से एक रिव्यू इसका दीजिए. तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइए. लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए. इसी तरह की वीडियोस मैं लाती रहूँगी. आज के लिए बस इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.